नवनियुक्त कलेक्टर ने आज अचानक जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कई सारी खामियां पाई। वहीं नए दिशा निर्देश सिविल सर्जन को भी दिए। अस्पताल पहुंचकर सबसे पहले जिला कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने ड्यूटी रजिस्टर को चेक किया, जहां पर कई डॉक्टरों के साइन तो पाए गए लेकिन डॉक्टर नदारद रहे, जिस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सभी अनुपस्थित डॉक्टरों के आधे दिन का वेतन राजसात करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने सभी वार्डों का निरीक्षण भी किया। साथ ही पर्चा बनाने वाले व्यक्ति को निर्देशित किया कि वह पर्चा बनाने पर डॉक्टर का नाम व मरीज की बीमारी भी अंकित करें। साथ ही साइकिल स्टैंड के प्रभारी पर भी फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी वाहन अस्पताल परिसर के अंदर नहीं आना चाहिए। अस्पताल परिसर के कुछ निजी एम्बुलेंस भी इस समय खड़ी थीं, जिस पर उन्होंने खासी नाराजगी दिखाई। वहीं अस्पताल के बारे में कहा कि वहां पर काफी जगह है और इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। सर्दी जुकाम के लिए पीडियाट्रिक्स के पास जाने की क्या आवश्यकता है? बच्चे को सर्दी जुकाम है तो डज इट रियली रिक्वायर नीड फॉर तो हम क्यों भेज रहे हैं? मरीज जो होता है ना, जैसे बच्चा है तो वो मुझे कहता है कि मतलब बच्चों को डॉक्टर को ही दिखा हुआ ये तो सिलेंडर लेके जाती है सर, अपने सिलेंडर लेके जाती है। अभी डॉक्टर्स का जो रोस्टर है उसका ठीक से पालन नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स अभी अनुपस्थित हैं, काफ़ी कुछ उनको बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लगाने का निर्देशित किया है। सिविल सर्जन वहाँ पर दो बायोमेट्रिक मशीनों की व्यवस्था भी कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो हमारा पूरा हॉस्पिटल है उसमें कायाकल्प के जो मार्गदर्शी बिंदु हैं उनके आधार पर हम परीक्षण करके ये कोशिश करेंगे कि पूरे अस्पताल को हम एक रिवैम्प पूरा उसको रिवैम्प कर सकें, उस पूरी बिल्डिंग को और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग रिवैम्प कर सकें। अस्पताल बहुत बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है और हम लोग इसको कर सकते हैं, हमारे में पोटेंशियल है। सर ओपीडी खाली नहीं है, इसको लेकर कोई दोस्त होगा? ओपीडी खाली है, इसके विषय में सिविल सर्जन को मैंने निर्देशित किया है कि डॉक्टर्स के आधे दिन का वेतन राजसात करने की कार्रवाई करें।